Hi friends, this is Dr. Anupam from Godavari Healthcare and Holistic Healing Center talking to you with the series Get Set and Go. मेरी यह सीरीज पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड सीरीज है, मतलब इसमें बताई गई बातों पर आपको कुछ एक्शन लेना जरूरी है अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, इस सीरीज का मेरा यह पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के बारे में, किस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं, इस सीरीज के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, किस तरह से आपने इस सीरीज को इस्तेमाल करना है, इन वीडियोस को किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, और फिर हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो कि है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, किस तरह आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, कुछ वीडियोज देखते हैं, कुछ लेक्चर्स सुनते हैं और जाने अनजाने हमें लगने लगता है कि अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है, कुछ पाना है, कुछ खुशियाँ पानी है, हमें कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, कुछ बड़े एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और उसी चक्कर में हम हमारे जीवन की उन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में वह खुशियाँ दे सकती है, वह बदलाव ला सकती है जो हम चाहते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम उन छोटी छोटी बातों को ही डिस्कस करेंगे एक एक्शन ओरिएंटेड एक्सरसाइज के साथ। हर वीडियो के बाद आपके साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर की जाएगी, उन एक्सरसाइज को आपने रेगुलरली करना है, आपने सोचना है कि किस तरह से आप इस नॉलेज को, इन एक्सरसाइज को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन वीडियोज का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले इन वीडियोज को आपने कम से कम 3 बार हार्ट टू हार्ट सुनना है। हो सकता है यह नॉलेज आपको पहले से पता हो सकता है आप पहले से चीज़ें जानते हो, फिर भी आपने इसे सुनना है 3 बार हार्ट टू हार्ट बिना एनालाइज किए। दूसरी बात, हर वीडियो के आखिर में आपको कुछ छोटे छोटे टास्क या कुछ एक्सरसाइज बताए जाएंगे, उन एक्सरसाइज को आपने करना है, अपना समय लेते हुए करना है, एक 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर करना है। उसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, सुबह उठकर कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। तीसरी बात, आपने सोचना है कि उस एक्सरसाइज से जो आपके मन में विचार आते हैं, वो एक्सरसाइज करने के बाद आपके मन में कुछ विचार आएंगे, कुछ माइंडसेट बनता जाएगा, उसे आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसे आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसे अपने जॉब प्लेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसे अपने फैमिली रिलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप उसे अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपने सोचना है। दोस्तों, मेरी यह सीरीज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इस सीरीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के लिए, या फिर अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को सिखाने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, यह सीरीज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसमें बताई गई बातें किसी को सिखाते हैं तो आपने उसे भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखानी है, न कि आपने कुछ पैसे चार्ज करने हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, किस तरह से हम हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्रैक्टिस में पिछले 4 सालों से मुझे कई सारे लोग मिले हैं, कई सारे लोग आते जाते रहते हैं, कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है अपने जीवन को लेके। कोई कहता है कि मेरी वाइफ मुझे गुस्सा दिला देती है, वाइफ कहती है मेरा हस्बैंड मानता नहीं है, इसी कारण मैं परेशान हूँ। बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप मेरी नहीं सुनते हैं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे नहीं सुनते। कोई कहता है मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। कोई कहता है मुझे वो बैकग्राउंड नहीं मिला जिसके चलते मैं कुछ कर सकूं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप किसी और को अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो जाने अनजाने आप अपने जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है और अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे गुस्से के लिए कोई और व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है उस व्यक्ति के हाथ में दे देता हूँ, मेरा जो कंट्रोल है उस व्यक्ति के हाथ में दे देता हूँ, और जाने अनजाने में उसे ये कह रहा होता हूँ कि टेक माई रिमोट कंट्रोल एंड कंट्रोल मी।
चाहे तुम मुझे गुस्सा दिला दे, चाहे मुझे खुश कर दे। दोस्तों, हमारे जीवन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारा पॉजिटिव पार्ट और एक है हमारा इफेक्ट पार्ट। जब आप अपने आप को एक इफेक्ट पार्ट में मानते हो, तो आपको लगता है कि हो रही हर घटना के लिए मैं एक इफेक्ट हूँ। घटनाएं कोई और नियंत्रित कर रहा है और मुझे तो बस सिर्फ सहना ही मेरा जीवन है, बदलना मेरा जीवन नहीं है। पर दोस्तों, जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव फैक्टर की ओर मानते हो, तो आप जाने अनजाने उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल करने की सोचते हो। यह सवाल मेरे सेमिनार्स में मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर, क्या हर घटना के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? मेरा एक स्टूडेंट मुझे कहता है, सर, दुनिया भर में आतंकवाद फैला है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? परिणाम तो मुझे भुगतने भी पड़ रहे हैं, पर क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? मेरा सिंपल सा जवाब होता है कि आप 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और फिर हमारे मन के अंदर झांक कर देखिए, अपने भीतर झांक कर देखिए। जब आप मानते हो कि मैं जिम्मेदार हूँ, 1% सही, 2% सही, आपका माइंड ये सोचता है कि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और यही दोस्तों जिम्मेदारी का असली मीनिंग है, कंट्रोल। कुछ चीजें मैं बदल सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी जो मैंने सुनी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो बताती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब क्या है। कहानी बहुत आसान है दोस्तों। एक समंदर किनारा, जहाँ रोज शाम कुछ लोग टहलने के लिए जाते हैं। एक ऐसे ही किसी शाम वहाँ एक अजीब सी घटना हो रही है। हर लहर के साथ कुछ मछलियाँ किनारे पर आ रही हैं, और जैसे ही लहर चली जाती है, पानी तो चला जाता है, लेकिन मछलियाँ वही पड़ी है। उसमें से कुछ मछलियाँ तड़प रही है, कुछ मर रही है। और उसी समय वहाँ एक दादाजी अपने 6 साल के छोटे पोते के साथ वहाँ आते हैं। वह छोटा सा बच्चा क्या करता है, एक मछली उठाता है, पानी में फेंकता है। एक मछली उठाता है, पानी में फेंकता है। मछली उठाता है, पानी में फेंकता जाता है, और बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने इन मछलियों की जान बचाई है। इस घटना को उसके दादाजी देख रहे हैं। उसके दादाजी उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं, बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? तो बच्चा कहता है, दादाजी देखिए, मैं ना इन मछलियों की जान बचा रहा हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं, बेटा, इससे क्या होगा? देखो, हर लहर के साथ हजारों मछलियाँ आ रही है, हजारों मछलियाँ मर रही है, एक दो मछली फेंकने से क्या होगा? तो पोता क्या करता है, फिर एक मछली उठाता है, फिर पानी में फेंकता है। कहता है, दादाजी देखिए, इससे फर्क पड़ता है। फिर एक मछली उठाता है, फिर पानी में फेंकता है। कहता है, दादाजी देखो, इसकी जान बच गई, इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, यही है जिम्मेदारी। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, पर आप कुछ चीजें जीवन की है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी तो आप ही की है, न कि किसी और की। माना कि मैं बाहर का एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, माना कि बाहर धूप पड़ी है, मैं उस धूप को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे रूम के एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ। बाहर की ठंडी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक स्वेटर पहन सकता हूँ। उसकी जिम्मेदारी तो मेरी ही है। जब तक मैं सिर्फ कंप्लेन करता रहूँ कि अरे यार, बाहर तो धूप पड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरमेंट का कोई ध्यान नहीं रखते, तब तक मैं इस लाइफ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। पर जब मैं कहता हूँ कि हाँ, कुछ तो मैं मेरे लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, तब मैं मेरे एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर लूँ, मैं एक्स्ट्रा फैन लगा लूँ, चाहे जो करूँ, फिर कुछ तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। जिम्मेदारी का यही मतलब है दोस्तों, कंट्रोल। और दूसरी बात, उस कंट्रोल लेने के बाद किस तरह आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, इसी पर बेस्ड है हमारी आज की एक्सरसाइज जो आपको करनी है। आप चाहे तो इसे अभी लाइव वीडियो के दौरान भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो देखने के बाद अपना समय लेते हुए आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। करना आपने ये है, आराम से बैठ जाना है,
आंखें बंद करके, और फिर उन घटनाओं के बारे में सोचना है जो आपको तकलीफ दे रही है। हो सकता है कोई भूतकाल की घटना हो जो आपको परेशान कर रही है। आराम से आंखें बंद करके बैठना है और उन घटनाओं के बारे में सोचना है और खुद से कहना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इस घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इस घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप अपने आप को उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते, तो उस घटना के कारण आपके मन में जो निगेटिविटी आ गई है, आपका मन जो विचलित हो रहा है, उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं उस घटना के लिए, उस घटना के कारण जो मेरे लाइफ पर इफेक्ट हो रहा है। वो घटना तो भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में जो मेरा जीवन डिस्टर्ब हुआ है, वर्तमान में जो मैं टेंस्ड हूं, उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं और मैं इसे बदल सकता हूं, कुछ हद तक तो बदल सकता हूं, बदल सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आपने डेली कुछ मिनट के लिए दोहराना है। आपने उन हर घटना की लिस्ट बनानी है। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए या कोई बुक बना लीजिए जिसमें आप इन घटनाओं को लिख सके। उस हर घटना के बारे में आपने रोज 3 से 4 मिनट सोचना है, खुद से कहना है, इस घटना के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं इसे बदल सकता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है सोचते रहने के लिए, इसीलिए आपको एक्शन लेनी है, क्योंकि यह सीरीज पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड है, आपके लिए है। दोस्तों, इस सीरीज का मेरा यह पहला लेक्चर है। अगर आपको यह अच्छा लगता है, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि इस सीरीज में मैं डिस्कस करूं, अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स है जिसके सॉल्यूशंस आप चाहते हैं, इस वीडियो के आखिरी में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, इन एक्सरसाइज करने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, दुनिया में आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। यू कैन डू एनी थिंग दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल, द ओनली थिंग इज दैट टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से मेरे वीडियोस पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। तब तक दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप टेकिंग मूविंग, एक्शन, गेट सेट एंड गो।